हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रोन, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक के बारे में, मतलब MOOC, मॉक का फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लेंगे, उसके साथ साथ मॉक क्या है एंड मॉक अगर आप अप्लाई करें, मॉक के लिए आप बैठे तो आपका क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो अगर आप मैकआउट स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा मॉक के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, अगर आप मैकआउट स्टूडेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मॉक का फुल फॉर्म क्या है। मॉक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मतलब ये कोर्स आप किस लिए कर सकते हैं, अब ये जान लेते हैं। ये कोर्स आप कर सकते हैं, देखिए आप लोग जो बीटेक लाइफ है, आप लोगों को बीटेक लाइफ पे टोटल आपको क्रेडिट पॉइंट अर्न करना पड़ेगा 160 क्रेडिट पॉइंट। अब इस ये क्रेडिट पॉइंट अर्न करने से आपको फायदा क्या है, अगर 160 क्रेडिट पॉइंट आप अर्न कर ले तो आपको मिलेगा बीटेक डिग्री। ये बीटेक डिग्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 160 क्रेडिट पॉइंट। ये अदर्स किसी भी चीज़ में आप कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कल्चरल फेस्ट आप बोल सकते हैं, आपका जो कॉलेज में टेक फेस्ट होता है वहाँ पर पार्टिसिपेट करके भी अर्न कर सकते हैं। और सपोज बाहर का कोई ट्रिप प्लान, किसी भी प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करें तो वहाँ पर क्रेडिट पॉइंट रहता है। तो वैसा क्रेडिट पॉइंट आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से आपको जो क्रेडिट पॉइंट अर्न होता है उससे 160 क्रेडिट पॉइंट आपको अर्न करना पड़ता है। अब ये 160 क्रेडिट पॉइंट छोड़ के आपको अनदर 20 क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करना पड़ता है ये मॉक से, मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स से। अब ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या क्या है बोल सकते हैं, NPTEL है और भी अदर्स जो जगह है वहाँ से आपको कोर्स करना पड़ता है। बहुत सारा कोर्स है, 8 वीक का कोर्स है, 4 वीक का कोर्स है, 12 वीक का कोर्स है। हर एक वीक का कोर्स के लिए अलग अलग क्रेडिट पॉइंट है। अगर आप 8 वीक का करें तो आपको 3 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, अगर आप 12 वीक का करें तो आपको 4 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। तो मैं बोलूँगा 4 क्रेडिट पॉइंट वाला, मतलब 12 वीक्स का 5 अगर आप NPTEL कर ले तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएगा। अब ये 20 पॉइंट्स अगर मॉक का आपको मिल गया तो फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ही है अगर आप 20 पॉइंट्स 160 के साथ ऐड कर ले तो टोटल अगर आप 180 क्रेडिट पॉइंट्स कर ले तो आपको ना सिर्फ बीटेक डिग्री मिलेगा, उसके साथ साथ बीटेक प्लस ऑनर्स डिग्री मिलेगा। अगर आप मैकआउट स्टूडेंट हैं, अदर किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये लागू होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, मुझे लगा कि मॉक के बारे में हर एक चीज़ आपको बताना चाहिए। अभी भी अगर मॉक के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है आपका तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आप लोगों को हेल्प करने का। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मॉक के बारे में, मॉक का मैं बोलूँगा NPTEL का ही कोर्स कीजिए, क्योंकि NPTEL का कोर्स ही मैक्सिमम कॉलेज एक्सेप्ट करता है। और एक चीज़ मॉक अगर कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो कॉलेज से मस्ट पूछ लीजिए कि वो कोर्स करने से आपको क्या क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। अगर क्रेडिट पॉइंट आपको नहीं मिल रहा तो वो कोर्स बिल्कुल मत कीजिए, जो कोर्स करने से आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा वही कोर्स के लिए आप अप्लाई करें और वही कोर्स कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मॉक का कोर्सेस है, ये मॉक का कोर्स करने से आपको 1100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। किसी किसी कोर्स होता है जिसमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, पर मैक्सिमम आप बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज 1100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा अगर कोई भी एक मॉक का कोर्स आप करें। तो हर एक कोर्स आप करिए, टोटल आप 5 कोर्स अगर कर ले 12 वीक्स का तो 5500 रुपये के अंदर आपको बीटेक प्लस ऑनर्स डिग्री मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट का बात है। मैं बोलूँगा अभी इस टाइम में सिर्फ बीटेक डिग्री से, मैं बोलूँगा बीटेक प्लस ऑनर्स डिग्री अगर आप ले तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो मैं बोलूँगा बीटेक प्लस ऑनर्स डिग्री लीजिए, मॉक का 5 12 वीक्स का कोर्स आप कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। तो वीडियो यही था आज मॉक के बारे में, मुझे लगता है आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया है। और भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना ताकि बाकियों को भी पता चले मॉक के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन। मेरे चैनल पर नया है तो कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।